आज हम लेमन चिकन बनाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम इस रेसिपी को आज आपको बनाकर दिखाएंगे। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया वो भी इस रेसिपी को देख के बना डालेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। लेमन चिकन में जो चिकन यूज होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। लेग पीस को थोड़ा इस तरह से हमें काट कर लेना है। देखना यहाँ पर एक धागे जैसा रहता है या टिश्यू, इसे हमें काट देना है और चिकन के दोनों तरफ इस तरह से चिरा लगा लेना है। इस तरह से चिकन को अगर आप कट्स लगाएंगे तो चिकन हमारा टूटेगा नहीं और मसाला अंदर तक चला जाएगा। इसे हम इसमें ले लेते हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो स्वाद के अनुसार नमक डालना है और थोड़ी सी नींबू का रस डालेंगे। बस इस समय हमें कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिला के हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तब तक हम एक मसाला की तैयारी करते हैं। एक प्लेट में हम लेंगे 4-5 हरी मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा अदरक, 15 से 20 लहसुन की कली और लेंगे धनिया पत्ता का जो डंठल होता है वो डंठल हमें ले लेना है। इसे हम रफली काट लेंगे और सारे मसाला को हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे और इसे स्मूथली पीस लेना है। तो देखिए मसाला को हमने पीस लिया है। इसे ढक के साइड में रखेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे करीब 150 ग्राम दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही को डाल देंगे और इसी में ही हम ऐड करेंगे मसाला पेस्ट जो हमने बनाया था और एक बड़ा चम्मच ऑयल। सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। यहाँ पर देखिए जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो गया है और चिकन को निचोड़ के पानी झरा के फिर दही के अंदर चिकन को डालना है। अब दही के साथ में सारे चिकन को हमें अच्छे से मिला लेना है। चाहे आप हाथों से भी इसे मिला सकते हो। अब हम इसे फिर से ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम एक सूखा मसाला की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 5-6 लौंग, 1 चम्मच धनिया, 4 सूखा लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक डाल के मसाला को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। नमक डाल के मसाला को भूनने से मसाला अच्छे से भूनता है, मसाला जलता भी नहीं और मसाला बच जाए तो आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हो। मसाला को ठंडा करने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और इसे पीस लेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा फाइनली नहीं पीसेंगे तो भी चलेगा। ढक के इसे साइड कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज पत्ती। बस इसमें और कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा खुशबू निकल कर आए हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालते समय गैस को हमें लो करके रखना है क्योंकि इसमें दही है, दही फट सकते हैं। ऊपर से हमने जो मसाला है दही वाला वो भी डाल देना है। अब हम गैस को हाई फ्लेम कर देंगे और चिकन को 4-5 मिनट भूनेंगे, जब तक कि ना चिकन हमारा वाइट हो जाए। तो देखिए चिकन भूनते भूनते चिकन हमारा वाइट हो गया है और चिकन से पानी भी रिलीज हो गया है। इस समय हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। लेमन चिकन को अगर आप बोनलेस बनाते हो तो उतना टेस्ट नहीं लगता जितना कि विद बोन आपको टेस्ट मिलेगा। नमक डालने के बाद फिर से हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब हम गैस को लो फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। 10-12 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इस समय हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालते ही देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम फिर से ढक के इसे 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 10-12 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे एक बार इसे मिला लेंगे, अलट पलट कर देंगे इसे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4-5
कम तीखी वाली हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच में जो चिरा लगा लिया है इसे डाल देंगे। फ्लेवर के लिए 4-5 नींबू के पत्ते ऐड करेंगे, इसे मिला लेंगे। नींबू के पत्ते और हरी मिर्च डालने से इसका जो एरोमा है यानी इसका जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अभी भी देखिए ग्रेवी हमारा थोड़ा सा पतली है, तो ग्रेवी को ठीक करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पहले भिगो के रखा था, इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारा थोड़ा सा घना हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। इस समय हम ऐड करेंगे जो मसाला हमने पीस के रखा था, वो मसाला को डाल देंगे। तो मसाला अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड करिए, और थोड़ा मसाला बच जाए तो आप उसे रख के दूसरे चिकन रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। मसाला को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक नींबू लेंगे और नींबू का जो ऊपर का ग्रीन कलर है, जो स्किन है, वही ऐड करना है। ध्यान रखें अंदर का जो सफ़ेद स्किन है वो आना नहीं चाहिए, वो अगर आ जाए तो कड़वा लगेगा। और इसी को कट के थोड़ी सी नींबू हमें फिर से ऐड करना है। सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल कर आ रही है। तो हमारा लेमन चिकन बनके तैयार हो गया है। लास्ट फिनिशिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और ये लीजिए हमारा लेमन चिकन बनके तैयार हो गया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से हमने इस रेसिपी को बनाया है, मगर खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर खा के देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।